श्रावण मास यानी सावन का महीना इस साल पंचांग के अनुसार 25 जुलाई रविवार से आरंभ हो रहा है। सावन का महीना धार्मिक कार्य और पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव जी की पूजा करने से जीवन में आने वाले परेशानियां दूर होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए सावन के सोमवार में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पूरे साल शिव भक्त इसी सावन महीने का इंतज़ार करते हैं। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। सावन का अंतिम सोमवार यानी सावन का चौथा सोमवार इस साल 16 अगस्त को पड़ता है। तो आखिर कैसे करें सावन सोमवार की पूजा? प्रातःकाल में उठने के पश्चात सावन सोमवार को स्नान और नित्य क्रमों के साथ घर की सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल या शुद्ध जल छिड़ककर घर को शुद्ध करें। इसके बाद घर के ईशान कोने दिशा में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति स्थापना के बाद सावन मास व्रत संकल्प लेना चाहिए। श्रावण मास में केवल भगवान श्री शंकर की ही पूजा नहीं होती, बल्कि भगवान शिव की समस्त परिवार जनों की भी। सावन सोमवार का व्रत कई उद्देश्यों से माना जाता है। वैवाहिक जीवन की लंबी आयु और संतान की सुख समृद्धि के लिए या मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए। सावन सोमवार व्रत कुल विधि, लक्ष्मी प्राप्ति और सुख सम्मान देने वाले होते हैं। इन दिनों में भगवान शिवजी की पूजा जब बेलपत्र से की जाती है तो भगवान अपने भक्तों की मनोकामना जल्द ही पूरी करते हैं। बिल्व पत्थर की जड़ में भगवान शिव का वास माना जाता है, इसी कारण यह पूजन व्यक्ति को सभी तीर्थों के स्नान करने का फल भी प्राप्त होता है। सावन सोमवार का व्रत सूर्य उदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक किया जाता है। व्रत के दिन सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना चाहिए। सावन के महीने में कुछ चीज़ों से परहेज भी करना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में दूध और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में कीड़े मकोड़े अधिक पनपते हैं। संक्रामक रोग होने का भी खतरा रहता है। जहरीले कीड़े मकोड़े गाय भैंस को भी प्रभावित करते हैं, जिस कारण दूध हानिकारक हो जाता है। इसी तरह से बैंगन में भी कीड़े होने का खतरा पैदा होता है। मदिरा और मांस का सेवन भी हमें सावन महीने में नहीं करना चाहिए। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कर दें इसे लाइक और शेयर। भगवान शिव जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही आशा के साथ वीडियो यही संपन्न करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।